कनेक्शन परफेक्ट आ रहा ना, तीन सवाल पूछूंगा और मेरी दरख्वास्त है प्लीज बीच में मत बोलिएगा कोई। पहला सवाल मेरा आपसे ये कि ये विनोद आर्य कहां है, कहां है विनोद आर्य? वर्मा जी चली गई ऑडियो, मेरा मेरे को ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो ऑडियो सही करिए मेरा, नहीं आ रहा ना ऑडियो सर, ऑडियो नहीं आ रहा, ऑडियो सही कर दीजिए। दूसरा सवाल पूछूं, बुलडोजर किसके आदेश से चला था पता चला? बुलडोजर किसके आदेश से? तिलक जी आ गया ऑडियो, तिलक जी विनोद आर्य कहां है? ऑडियो आ गया विनोद आर्य कहां है? तिलक जी, तिलक जी जैसे ही मामला का संज्ञान हुआ भारतीय जनता पार्टी ने विनोद आर्य को और अंकित आर्य को तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। विनोद आर्य भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। मुकदमा क्यों नहीं हुआ? मुकदमा मुकदमा बुलडोजर किसके आदेश से चला था? मेरा दूसरा सवाल आपसे ये, बुलडोजर किसके आदेश पे चला था पता चल पाया? किसका आदेश था? तिलक जी, तिलक जी देखिए हम लोग गैंगस्टर की कार्यवाही हमने पुलकित आर्य के ऊपर की है। आदेश किसका था? और इसी और तीनों मुजरिम इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं, रिमांड पर हैं, और मैं सोचता हूं जो भी व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे होगी। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये, वो वीआईपी कौन था जी? वो वीआईपी कौन था? तिलक जी मैंने पहले ही बोला हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ, वो कौन सी पारदर्शिता है? अगर आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं तो अंकिता को गुजरे हुए कितना वक्त हो गया यही नहीं पता कर पाए आप कि वो वीआईपी कौन था, कौन आया, कितने वीआईपी आए और कितने चले गए, ये कौन सी पारदर्शिता हुई वर्मा जी? ये गजब की पारदर्शिता है कि यही नहीं पता चल पाया कि वीआईपी कौन थे, कौन आए और कौन चले गए और कौन आने वाले थे। यही इन्वेस्टिगेशन है हमारी कि यही नहीं पता चल पाया कि बुलडोजर किसके आदेश में चला और विनोद आर्य कहां है किसी को नहीं मालूम। ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? अगर कोर्ट ने आपको निर्देश दिया कि ये राजस्व पुलिस खत्म करो तो आपने क्यों नहीं खत्म किया? कोर्ट का आदेश था। तिलक जी, तिलक जी सरकार ने इस और कदम आगे बढ़ा दिए हैं और हमारी सरकार ने इस और काम करना आरंभ कर दिया है। वो दिन भी देखे हैं, बुरा लगेगा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब आप लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पे उतरे थे वर्मा जी, मैंने वो दिन भी देखे हैं। आज जो है उत्तराखंड में कोई महिला नेता उतरकर सड़कों पर उतर कर ये नहीं कह रहा कि अंकिता को न्याय मिले, है ना? तिलक जी गलत फहमी है आपकी, ऐसा बोलने से आपकी गलत फहमी है। ये हमारा तमाम विपक्ष एक गलत नैरेटिव सेट कर रहा है।